हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कितने तरीके से आप उनके थैंक यू का या कि उनके जो शुक्रिया उन्होंने कहा है उनका आप रिप्लाई दे सकते हैं। पिछले ही लेक्चर में यानी कि डे 04 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कितने तरीके से आप लोगों को थैंक यू बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप उसे कितने तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कितने तरीके से उनका रिप्लाई दे सकते हैं, राइट। तो ये पार्ट 1 है। अगेन, जैसा कि मैंने थैंक करने के लिए आपको बताया था कि वो एक बिगिनर लेवल का वीडियो था, तो ये भी बिगिनर लेवल के रेस्पॉन्सेज होंगे, राइट। इसका एक हम एक्सपर्ट लेवल और एक प्रो लेवल आगे अपलोड करेंगे। डे 5th पे अगर बिगिनर आ रहा है तो डे 15th पे एक्सपर्ट और डे 25th पे प्रो लेवल आएगा, जो कि ऑलरेडी शूट होके स्केड्यूल भी हो चुका है। तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन तरीका है किसी के भी थैंक यू को बोलने का, जो कि हम बोलते हैं, वो है वेलकम। मैं बताऊंगा इसमें क्या कमी है और क्यों ये हर जगह सही नहीं होगा। अगर हर जगह यही सही होता तो फिर मैं इतने तरीके बताता ही नहीं। मैं आज 10 के आसपास आपको तरीके बताने वाला हूँ और इनके वेरिएशंस को काउंट करने तो कम से कम 17-18 तरीके हैं जिनसे आप किसी को थैंक यू कह सकते हैं। तो आप यही तरीके इस्तेमाल करते हैं, राइट। वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। अब अगर आपको किसी ने थैंक यू कहा है तो वेलकम कब सही होगा? जब आप कहते हैं वेलकम का मतलब होता है स्वागत है, यू आर वेलकम आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम आपका बहुत स्वागत है। बेसिकली जब आप उनके लिए वही काम दोबारा करने को तैयार हो तब आप कहेंगे वेलकम, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि आप वेलकम कह के एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को जन्म देते हैं कि अगर आप इसी तरह की कोई हेल्प हमसे दोबारा चाहेंगे तो हम उसे खुशी खुशी कर देंगे। नहीं चाहते हैं तो ये कभी ना कहें। उसके लिए फिर और कुछ वेरिएशन है जो मैं भी आगे बताने वाला हूँ। तो समझ में आया, तो सबसे कॉमन तरीका है वेलकम। जनरली अगर आपका किसी ने कोई काम कर दिया जो कि उसे वैसे भी करना था तब भी आप वेलकम कह सकते हैं, सूटेबल है। अगर उसने आपको वो काम कर दिया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसने आपकी फिर हेल्प कर दी, तब भी वो कह सकता है यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। यू आर मोस्ट वेलकम, वेलकम जनरली जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं जिनकी ऑलरेडी वो ड्यूटी है वो काम करना, वो लोग आपको कह सकते हैं। हर सिचुएशन में ये सही नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो कॉमन तरीका है जिसके तरीके से आप थैंक यू का रिप्लाई दे सकते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा है। इसे कहते हैं प्लेजर, या तो आप सिंपल एक वर्ड कह सकते हैं, आप कह सकते हैं माई प्लेजर, इट वॉज माई प्लेजर, अगेन फिर वेरिएशन है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं प्लेजर इज माइन, PLEASURE, प्लेजर इज माइन, या फिर प्लेजर इज ऑल माइन। अगेन, मैं इस एक वर्ड के साथ कई सारे वेरिएशंस बना सकता हूँ, कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं। बेसिकली प्लेजर का मतलब होता है खुशी का अनुभव होना, ठीक है, कि मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ पाया, माई प्लेजर मेरी खुशी है, प्लेजर इज माइन अगेन मेरी खुशी। तो आप कह सकते हैं प्लेजर, अगर आपको कोई किसी को आपके मिलकर अच्छा लगा तो वो आपको कहेंगे थैंक यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, तो बोलेंगे प्लेजर इज ऑल माइन, कि मुझे भी बड़ी खुशी हुई, कि खुशी तो मेरी है, आपसे ज़्यादा खुशी मुझे है, राइट। तो आप प्लेजर कह सकते हैं, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है थैंक यू के रिप्लाई में। बट अगेन, ये भी वेलकम की तरह ही है, अगर आपको सही में खुशी हुई है तभी ऐसा बोले, फेक तरीके से ना बोले। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर सामने वाला तो कर्टेसी के लिए थैंक यू बोलता है बट आप उसको एंटरटेन नहीं करना चाहते फ्यूचर में उसी चीज़ के लिए, बट आप रूड भी नहीं होना चाहते, तब आप क्या रिप्लाई करेंगे, हम उसकी बात करेंगे फिर आगे। आप ये भी बहुत अच्छा तरीका इसमें स्टार लगा लो, ज़्यादातर सिचुएशंस में चल जाता है बट ये थोड़ी स्वीट सिचुएशंस में काम करता है जहाँ सामने वाले के साथ आपका रिश्ता थोड़ा सा इनफॉर्मल टाइप हो, राइट। तभी तो आप कहते हैं कि नो मेंशन, कि जिक्र ना करें मैंने आपकी जो भी मदद करी उसका, या फिर इसका एक वेरिएशन ये भी यूज होता है डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट, नो मेंशन, और ये सबसे ज़्यादा बोला जाता है लास्ट वाला, दैट इज मेंशन नॉट, मेंशन नॉट, यानी कि आप उसका जिक्र ना करें, उसके बारे में बार बार ना बोलें। नो मेंशन, डोंट मेंशन इट, मेंशन नॉट, तो नो मेंशन ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैं भी यूज़ करता हूँ। बट किन के साथ यूज़ करोगे? जिनके साथ आपका रिश्ता थोड़ा सा काइंड ऑफ इनफॉर्मल है। नो मेंशन आप जिक्र ना करें, बस बोल दें आप काम की, मैं आपका काम कर दूंगा, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है ना दोस्ती में। नो फ्रेंड्स नो सॉरी वो वाला सीन, नो सॉरी दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी वो वाला सीन हो सकता है। तो नो मेंशन थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, प्लेजर और वेलकम दोनों फॉर्मल है, बिल्कुल आप ऑफिशियल सेटिंग में भी नहीं यूज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया था ना कि बिजली का बिल मान लो किसी ने आपका भर दिया, या ऑफिस में किसी ने अपना काम कर दिया मान लो, कहीं आप पुलिस स्टेशन में गए वेरिफिकेशन के लिए, उसने अपना काम कर लिया जो कि उसे करना ही था, अगर वो थोड़ा सा अच्छे वे में आपका रिप्लाई देना चाहता है तो कह सकता है इट्स माई ड्यूटी सर। अगेन वो वेलकम वगैरह कुछ नहीं बोलेगा, वो कहेगा इट्स माई ड्यूटी सर, ये तो मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है।
तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो अगेन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको वैसा भी करना था, उसके लिए कोई आपको थैंक यू बोलता है, तो आप ये रिप्लाई दे सकते हैं, इट इज़ माई ड्यूटी सर, राइट। इसके अलावा आप कह सकते हैं नेवर माइंड प्लीज, नेवर माइंड प्लीज। ये मैं बताता हूँ ये कहाँ यूज होता है। ये भी बेसिकली ऑफिशियल सेटिंग में यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको काम करना है किसी ई डेस्क पे जाके, बट आपको उसका रास्ता नहीं पता कि कहाँ पर आपका काम होगा, पूछताछ केंद्र में आपको जाना है, राइट। तो आपने गार्ड से या फिर किसी और कर्मचारी से जो जो कि अपना काम कर रहा था, उससे आपने पूछा कि सर वो उस जगह पर जाना, तो उसने इशारा करते कि सर आप वहाँ चले जाइए, आपका काम हो जाएगा, राइट। तब आप उसे बोलेंगे थैंक यू, तब वो कह सकता है नेवर माइंड। अगेन इतना पेन कोई लेता नहीं, नेवर माइंड प्लीज वो कह सकता है बिल्कुल, उस जगह की ध्यान न दें, कोई बात नहीं, तो मेरा काम है। कोई आपने बहुत बड़ा काम नहीं करा है, कुछ ऐसा बेसिक सा काम, किसी रास्ता पूछा आपने बता दिया, तो आप कह सकते हैं। जनरली नेवर माइंड भी थोड़ा सा इनफॉर्मल की कैटेगरी में भी यूज होता है, और फॉर्मल की कैटेगरी में तो कहीं भी यूज कर सकते हो। इनफॉर्मल की कैटेगरी में जनरली अगर आप सामने वाले को थोड़ा जानते हो पहले से, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नेवर माइंड। अगेन अगर आप इट इज माई ड्यूटी सर की जगह एक और वेरिएशन ढूंढ रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, यानी कि और कुछ, ELSE else, और कुछ आपने कहा। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास काम करने के लिए या जनरली एनीथिंग एल्स सेल्स मैन जो होते हैं ना वो यूज करते हैं, इस पर स्टार लगाएंगे अगर आप, ऑफिशियल सेटिंग में यूज होता है। बट आप किसी सेल्स मैन के पास गए, आपने कुछ और सामान खरीदा उसकी दुकान से, और कोई सेल्स मैन अगर वहाँ बैठा हुआ है, दुकान है, शोरूम है, कुछ भी है, आप बिलिंग करवा रहे हैं, तो आप बोलेंगे थैंक यू, तो आपसे बिल देते समय पूछेगा एनीथिंग एल्स सर, एनीथिंग एल्स विद विच आई कैन हेल्प यू, ठीक है, कुछ और आप लेना चाहेंगे, इट्स माई ड्यूटी सर, तो कह ही सकता है। बट बिलिंग काउंटर वाला अगर ये बात बोले कि ये तो मेरी ड्यूटी है, वो काइंड ऑफ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, कर्तव्य है पर कोई बहुत बड़ा कर्तव्य नहीं है। उसकी जगह अगर वो कहता है एनीथिंग एल्स, तो शायद उसकी सेल और हो सकती है, हो सकता है सामने वाली खड़ी सामने खड़ी किसी लेडी को या इंसान को कोई और सामान उसके मतलब एट मोमेंट पे याद आ जाए कि हाँ भाई मुझे ये भी लेना था, एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स यूज करेंगे, जो कि ऑब्वियसली इस वीडियो का टारगेट भी है, मैं तभी तो इतने वेरिएशन बता रहा हूँ, तो बेटर रहेगा, तो एनीथिंग एल्स बड़े अच्छे से काम करता है। इसके अलावा जो आप कह सकते हैं वो है दैट्स ऑल राइट, लेकिन ये भी थोड़ा सा आप खुश होके कहते हैं, तब आप कहते हैं दैट्स ऑल राइट, या फिर आप इसकी जगह कह सकते हैं दैट्स ओके। मान लीजिए किसी ने आपका शुक्रिया अदा करा किसी ऐसे काम के लिए जो कि उसको उम्मीद नहीं थी कि आप कर देंगे, आपने थोड़ा सा उसके लिए पेन लिया काम करने के लिए, फिर वो आपका शुक्रिया अदा कहता है कि भाई हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने काम करके आपको बड़ी तकलीफ हुई, तो आप कह सकते हैं दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, ठीक है। ये तब होता है जब आपका कोई एल्डर आपके लिए कुछ काम करता है, आप मतलब शुक्रिया करने वाला जूनियर या फिर यंगर है, और काम करने वाला या तो पद में बड़ा या एल्डर है, वो थोड़ी अपनी सुप्रीमेसी नहीं दिखाना चाहता कि हाँ भाई मैं बड़ा हूँ, तो वो कह सकता है दैट्स ऑल राइट, दैट्स फाइन। वो बहुत ज़्यादा आपको वेलकम भी नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक डिग्निटी वो भी मेंटेन रखना चाहता है कि आप सर पे ना चढ़े जाओ, उसको इस पर मत लेना, बट हाँ ये होता है ट्रू। तो सीनियर को आप थैंक यू बोलते हैं, तो बोलता है दैट्स ऑल राइट, दैट्स फाइन, आई गॉट इट, ठीक है, मैंने आपका काम कर दिया है। इसके अलावा मान लो अगर आपको सही में किसी का काम करने में पेन हुआ है, जो कि ऊपर वाले को भी हुआ, बट वो रूड नहीं होना चाह रहा और वो आपको कह रहा है कि हाँ ठीक है, बट आपको सही में पेन हुआ है और आप सामने वाले को ये चीज़ बताना भी चाहते हैं, ठीक है, तब आप रूखे रूप से कह सकते हैं इट्स फाइन, इट्स ओके। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट किसी ने कर दिया है और सामने वाले ने आपकी मरहम पट्टी भी करवा दी, ऑब्वियसली अच्छा आदमी था, मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है, आपकी गाड़ी में कोई रिपेयर आया तो उसने करवा दिया, फिर वो जाते जाते बोलता है कि थैंक यू आपने इतना कोऑपरेट किया मेरे साथ, तो बोले यार इट्स ओके, इट्स फाइन, बहुत खुश नहीं हो आप, ठीक है। वो जो थैंक यू बोल रहा है वो कौन सा थैंक यू है? अगेन देखिए ये जो थैंक यू है ये उसने आपकी हेल्प नहीं करी ना आपने उसकी हेल्प करी है, राइट। वो थैंक यू कर्टेसी के रूप में बोल रहा है, क्योंकि उसे बोलना पड़ेगा, उसको पता है कि उसने आपको दुख दर्द कुछ दिया है या आपने उसका काम करने के लिए कुछ दर्द उठाया है, तो उसे तो कर्टेसी का थैंक यू बोलना है। बट आप भी एट द सेम टाइम रूड नहीं होना चाहते, ऑब्वियसली एक्सीडेंट किया तो आप उसे वेलकम तो करेंगे, लेकिन हाँ स्वागत है या प्लेजर के बड़ा मजा आया मेरे को, या फिर नो मेंशन डोंट मेंशन क्यों मत कर भाई, शरीर में जब चोट लगी है तो निशान है, तो ऊपर का इट्स माई ड्यूटी सर ये भी आप नहीं बोलेंगे, तो आप समझ रहे ना कि कहाँ जाके इसका यूज आ रहा है। तो आप कर्टेसी दिखाना चाहते हैं, उसे कर्टेसी का थैंक यू बोला, आप रूड नहीं होना चाहते, बट आप उसको दिखाना चाहते हैं कि हाँ तेरी गलती थी और तुझे थैंक यू बोलना बनता है, तो आप कह सकते हैं इट्स फाइन, इट्स ओके, राइट। खुश होके नहीं बोली जाती है बात, थोड़ा
थोड़ा सा खुश होकर बोलना है तो दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके ये बोलना है। अगेन मैं यूज़ के साथ इन शब्दों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जब आप किसी बुक में या किसी वेबसाइट पर कहीं भी आप पढ़ेंगे तो वो यूज़ या जो सिनेरियो है वो समझाते नहीं हैं, और फिर आप देखते हैं कि हाँ बहुत सारे शब्द और कहीं भी आप किसी का भी इस्तेमाल कर देते हैं जो कि अच्छे से काम नहीं करेगा। लास्ट जो आप बोल सकते हैं वो है इट्स माई हम्बल प्रिविलेज। अगेन इससे रिलेटेड, हम्बल वर्ड से रिलेटेड कुछ और जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपर्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, बट अभी के लिए जाते जाते देख लें इट्स माई हम्बल प्रिविलेज इसका क्या मीनिंग होता है। हम्बल प्रिविलेज का मतलब है मेरा विनम्र विशेषाधिकार है ये, तो अगर आप इसकी हिंदी सर्च करेंगे, मान लीजिए आपको किसी एक बड़े कार्य के लिए, जैसे मान लीजिए आपको स्टेज पे बुलाया गया कि भाई आप ज्योति जलाएं या ज्योति जो ज्योत है उसको प्रज्वलित करें, उसके बाद हम प्रोग्राम शुरू करेंगे माँ सरस्वती की अर्चना के लिए, तो आप गेस्ट हैं, ठीक है, आपको गेस्ट के रूप में बुलाया था तो आपको चीफ गेस्ट ही जनरली दिया जलाते हैं, तो आपने दिया जलाया और उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो बोलती है थैंक यू, तो आप कहेंगे नो नो इट्स माय हम्बल प्रिविलेज। आप उन्हें थैंक यू का रिप्लाई कैसे करेंगे कि ये तो मेरा बड़ा ही विनम्र विशेषाधिकार है, मैं चीफ गेस्ट हूँ तो मुझे, मैं बड़ा विनम्र फील कर रहा हूँ, आई एम हम्बल्ड कि आप लोगों ने मुझे ये काम करने के लिए बुलाया, राइट। तो वो आपका थैंक यू कह रहे हैं बट आप ज़्यादा थैंकफुल फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको आपके पद के हिसाब से अहदे के हिसाब से बहुत बड़ा काम सौंपा गया है। तो आप ये कह सकते हैं एक बोनस स्ट्रक्चर जो कि मैं देता ही हूँ हमेशा, है ना, बोनस स्ट्रक्चर जो मैं भी यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, वो क्या है, ये लंबा है सेंटेंस थोड़ा, अगेन थोड़ी एक्सपर्ट आपकी इंग्लिश हो जाएगी तो आप बोल पाएंगे, बट मैं लिख देता हूँ दिस इज़ नो, ये कहाँ यूज़ होगा, ये भी बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज़ होता है, हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और हर जगह यूज़ करना भी मत। मैं बताता हूँ इसका एक बेस्ट केस सिनेरियो बताता हूँ कि आप कहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, दिस इज़ नो मैटर ऑफ काइंडनेस इट विल रादर प्लीज मी। मान लीजिए आप किसी ऑर्फनेज में जाते हैं, वहाँ पर जाके आप अनाथ बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके गए हैं, कुछ किताबें लेके गए हैं, और किताबें लेके जाने के बाद आपने जो वहाँ का वार्डन है उससे बात करी और वार्डन आपको थैंक यू बड़ा दिल से शुक्रगुजार कह रहा है कि भाई आप बच्चों के लिए किताबें लेके आए, खाना के लिए उन्होंने जो भी लेके आए आपका शुक्रिया, और आप बच्चों को देख के बड़े खुश हो रहे हैं कि यार उनको जब खिलौने मिले तो वो बहुत ज़्यादा रिसीव, तो आपको जेन्युइनली बड़ा मज़ा आ रहा है, तो आपको वार्डन कहता है सर यू आर वेरी काइंड, थैंक यू फॉर ऑल दिस गिफ्ट्स, फिर आप बोलेंगे नो नो सर दिस इज़ नो मैटर ऑफ काइंडनेस इट विल रादर प्लीज मी। आप उसे क्या बोलोगे, सर ये दयालुता की बात नहीं कि मैं बड़ा दयालु हूँ, बल्कि मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी कमाया मेरा कमाया हुआ थोड़ा सा पैसा इन लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशी का काम कर रहा है। तो अगर आप मन से दिल से खुश हैं किसी काम के लिए तो आप ये बात कह सकते हैं, बहुत अच्छा सिनेरियो होता है। जनरली क्या होता है, देखिए बेसिक लाइफ में आप देखेंगे तो ऊपर के जो तीन चार स्ट्रक्चर है वेलकम प्लेजर मेंशन वाले जिनसे काम हो जाता है, लेकिन जब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस आती है ना लाइफ में तो आपको फिर वहाँ पर अखरता है जाके कि यार हमारी वोकैबुलरी थोड़ी सी रिच होनी चाहिए थी और मैं उसी पर काम कर रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में ही, मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं सिखा रहा। ये सब बोलने के लिए इंग्लिश का आना कतई ज़रूरी नहीं है, कोई ठेले वाला भी अगर इन चीज़ों को सीख ले ना, ऐसा ठेले वाला जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी, बेचारा कभी स्कूल नहीं गया, वो अपना काम कर रहा है, वो भी अगर इन चीज़ों को सीख ले तो आप देखेंगे आप उसके ठेले पर कुछ भी करने के लिए, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, तो आपको फील होगा कि यार बंदे की वोकैबुलरी मेरे से अच्छी है। आप लंबे स्ट्रक्चर बोल सकते हो, पर अगर वो जानता है कि किस सिचुएशन में कैसे शुक्रिया अदा करना है, उसका रिप्लाई कैसे देना है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर वो आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ये कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है, ऐसी और भी सिचुएशन आएंगी, जैसे फ्रेंड्स हो गए, है ना, आपने किसी ऐसे इंसान को थैंक यू बोला जिसको कतई बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि फादर ही हो गए, हम शुक्रिया नहीं कहते हैं बहुत बार अपनी लाइफ में, है ना, वो इतना काम करते हैं हमारे लिए, काम क्या पूरा जीवन इन्होंने बिल्कुल अपने नाम लिख रखा है, फिर भी हम, तो उनको शुक्रिया कहोगे क्या आप, कभी कहोगे तो वो कैसे रिप्लाई करेंगे, इसकी भी हम जो है बात करेंगे एक्सपर्ट वाले में और प्रो वाले वीडियोस में। तो उन वीडियो को देखना है, इस कोर्स को फॉलो करना है, तो कॉपी बनाना, उनको लिखना शुरू करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, दोस्तों से भी करवाओ, घर वालों से भी करवाओ, वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, शेयर करना तो बिल्कुल बनता ही है क्योंकि देखो ये तो एक ऐसा कॉन्टेंट है जो सबके लिए ज़रूरी है, राइट। कोई स्टूडेंट से लेकर एल्डर तक जो कहीं स्पोकन की क्लासेस में नहीं जा सकते, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत लोग बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, ठीक है, अगर आपको बिल्कुल अफोर्डेबल रेट में ऑनलाइन, वो भी बहुत कम बैच साइज के साथ, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है वन ऑन वन, जिसमें जो बैच है वो रहेगा, आप ग्रुप डिस्कशन कर पाएंगे उनके साथ लाइव, वो भी क्लासेस में ही लूँगा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे, ठीक है। और बैचेस का टाइमिंग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ऐसा टाइम नहीं है रश आवर्स के टाइम का, हमने टाइम रखा नहीं है, जब आप लोगों की जॉब होती है, क्लासेस होती है, जनरली या तो मॉर्निंग में बहुत जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर लेट इन द नाइट,
हम ये बैचेस को रखते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।